सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू पोकेमॉन वर्ल्ड वीडियो। एंड ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है यार, एक चीज़ ट्राई करके देखने वाले हैं आज अपने अकाउंट में, कि जब हम अपने रेशीराम को रिप्रीट करते हैं तो उनसे हमको क्या रिटर्न में मिलता है। रेशीराम का शार्ड मिलेगा, एसपी डिट्टो का शार्ड मिलेगा, नॉर्मल डिट्टो का शार्ड मिलेगा या घंटा मिलेगा। तो हाँ, जो भी मिलेगा वो पूरा फुल हम ट्राई करके देखने वाले हैं, एंड मैं अपने अकाउंट में ट्राई करके देखने वाला हूँ। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई एसपी डिट्टो मतलब मेरा जो एसपी रेशीराम है उसको मुझको रिप्रीट करना है, तो प्लीज़ बताओ कि रिप्रीट करने से कहीं ये पूरे डिट्टो शार्ड में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो मैंने उसको बता तो दिया था कि भाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसने एक कन्फर्मेशन मांगा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई पहले मैं खुद अपने अकाउंट पे यूज़ करके देखता हूँ, अगर सब कुछ सही से हुआ तो वीडियो में पता चल ही जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी वीडियो में मैं बता दूंगा, ताकि ये सब प्रॉब्लम आपको भी फेस करना ना पड़े, मतलब आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए देखो, मना किसने किया है, पूरा वीडियो देखना एंड तक, एंड देखते क्या होता है। सो सबसे पहले तो मैं तुमको अपना रेशीराम दिखाना चाहूँगा, जिसका सीपी तुम देख ही सकते हो, ठीक है। अब मैं उसको प्रोनाउंस करके नहीं बताने वाला, जो भी हो। सो इसको हम रिप्रेट करेंगे, एंड मैं सबसे पहले बता दूँ कि इसका मैंने स्टार अप करके ट्रेनर लेवल इंक्रीज़ किया था। तो ट्रेनर लेवल अगर आप एक बार इंक्रीज़ करते हो ना 12 स्टार करके, और अगर उस पोकेमॉन को आप रिब्रीड करते हो तो आपका स्टार जैसे का वैसा ही रहता है, वो रिब्रीड नहीं होता है। मतलब इसके पीछे तुमने जितने भी SSR पोकेमॉन यूज़ किए होंगे स्टार अप करने के लिए, वो तुमको रिटर्न में नहीं मिलेगा रिब्रीड करने के बाद, अगर तुमने ट्रेनर लेवल एक्टिवेट करके रखा है इसको 12 स्टार करके। तो यहाँ पर उसको छोड़ के देखो, बाकी के जितने भी आइटम हमको मिलने वाले हैं रिटर्न, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बहुत सारे पिनबॉल्स मिल रहे हैं, फिर ट्रेनर के लिए सैंड बैग्स मिल रहे हैं, एंड और थोड़ा नीचे जाऊंगा तो तुमको 3 SP डिट्टो भी दिख जाएगा। एक मिनट में तुमको नीचे जाके दिखाता हूँ, वीडियो वाले से रिकॉर्डेड है ना। तो यहाँ पर 3 SP डिट्टो भी दिख रहा है, एंड नॉर्मल वाले डिट्टो भी दिख रहे हैं बहुत सारे। अब तुम ये मत सोचना कि रेशीराम तो दिख ही नहीं रहा है, रेशीराम किधर है। ये 3 डिट्टो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसको नेचर दे के रखा था 3, जो कि SP डिट्टो से लिया गया था, तो ये 3 उसी के है, ठीक है। एंड बाकी बाजू में जो बहुत सारे डिट्टो है वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको टैलेंट भी देखे रखा था, तो वो भी मुझे रिटर्न मिलने वाले। अब जैसे मैं इसको रिब्रेट करता हूँ, देखो रेशीराम जैसे का वैसा ही है, ये कुछ भी नहीं हुआ इसका, ठीक है। बस इसका ट्रेनिंग जो था वो थोड़ा सा रिसेट हो गया है, स्टार जैसे का वैसा ही है क्योंकि उसको वैसा ही रहना चाहिए था। एंड बाकी के जितने भी मैंने उसको हेल आइटम दिए थे वो रिटर्न हो गए, हेल आइटम के जो स्टार थे वो जैसे का वैसा ही है, ठीक है। स्टार जितना मैंने इंक्रीज़ किया था वो वैसा ही है, हेल्ड आइटम का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस अलग हो गए पोकेमॉन से। एंड अगर मैं तुमको TM दिखाऊँ, TM भी जैसे का वैसा ही है, बस वो अलग हो गया है पोकेमॉन से और कुछ नहीं। सो या यही था आज का वीडियो, आई होप कि तुमको पता चल गया होगा कि रिप्रीट करने के बाद क्या होता है। अगर तुम्हारा ट्रेनर लेवल एक्टिवेट करके नहीं है तो तुमको बाकी के जितने भी SSR है वो भी रिटर्न मिल जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर तुमको तुमने इसका स्टार्टअप करने के बाद अगर तुमने ट्रेनर लेवल एक्टिवेट या फिर इंक्रीज़ नहीं किया होगा तो जैसा था वैसा ही तुमको रिटर्न मिल जाएगा SSR पोकेमॉन। एंड बाकी जितने ट्रेनिंग वगैरह थे वो तो रिसेट होना ही है, वो तुमको मिल ही जाएगा। तो यह आ गया सही था आज का वीडियो, आई होप कि तुमको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है हम 1.5 के सब्सक्राइबर के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड फिर मिलता हूँ मैं तुमको उसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।